कुछ दिनों से डीजीपे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिससे सीएससी वैली को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सीएससी ने इस प्रॉब्लम को लेकर एक नई स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि डीजीपे का यह प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगा, अभी आप लोग डीजीपे में कैसे काम कर सकते हो और यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूं कि सीएससी की तरफ से क्या कहा गया है और किस प्रकार से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ सीएससी ने सीएससी पे पॉइंट सर्विस के बारे में भी बताया हुआ है, तो उसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है सीएससी पे पॉइंट सर्विस के बारे में, तो अगर आप लोग सीएससी पे पॉइंट ओपन करना चाहते हो या इसकी डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख सकते हो, या फिर आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो, इसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से हमारे कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। दो इश्यूज आर बिकॉज ऑफ सम कंप्लायंस रिलेटेड मूवमेंट व्हिच वी हैव डन इन रीसेंट पास्ट, सो दैट इज सपोज टू बी रिजॉल्व्ड बाय दिस सैटरडे। बाय दिस सैटरडे इवनिंग एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड एंड बाय संडे मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट फंक्शन विल अगेन वर्क लाइक इट वर वर्किंग अर्लियर। सो there is nothing to worry about, we understand you have faced issues और जो भी issues face किया आपने, हम लोग उसको immediately resolve करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से उसको कर रहे हैं। जो कुछ pending है by this weekend that will be resolved and anything which is stuck in the system will be refunded back to the VLEs, so that is the update which was there। जो इश्यूज आ रहे थे उस पर भी हम लोग काम करके आपको बताया कि उस पर हम लोग रिजॉल्व करके आपको जो रिफंड पेंडिंग है वो करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो आपको कंप्लायंस का कुछ बता रहे थे, कुछ कुछ कंप्लायंस जो इंडस्ट्री में जो रेगुलेटर है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से करनी होती है वो हमने किया है, और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा फ्रिक्शन रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा है ट्रांजेक्शन, वो स्मूथ हो जाएगा मंडे ऑनवर्ड से। सो ये कंप्लायंस है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, सभी बैंक्स को करना पड़ता है। दूसरा ये सभी इनफैक्ट अभी सभी जो पार्टनर्स हैं जो बैंक्स के या बैंक्स हैं वो सभी करेंगे अभी, तो सबके यहाँ ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो ये केवल डीजीपे या सीएससीपी नहीं, द ओनली थिंग इज दैट वी डिड इट फर्स्ट, तो इसलिए ये लग रहा होगा। दूसरा अभी एक और चैलेंज आने वाला है XML माइग्रेशन का। XML माइग्रेशन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे APS ट्रांजेक्शन होती है, अभी ISO पे होती थी, अभी XML पे होती है, सभी बैंक शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब जब बैंक शिफ्ट करेंगे दो तीन दिन के लिए उनकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, जैसे अभी कुछ सेंट्रल बैंक की शिफ्टिंग चल रही है, इससे सेंट्रल बैंक की ट्रांजेक्शन सिस्टम में नहीं हो रही, वंस दे शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन रिज्यूम हो जाएगी। तो इसी तरह अभी ये रहने वाली है अगले एक महीने तक, डीजीपे में नहीं इंडस्ट्री में रहेगी। जो जो बैंक शिफ्ट होंगे उन बैंक की ट्रांजैक्शन में या तो प्रॉब्लम आएगी या तो होगी नहीं, तो इसके लिए प्लीज आप तैयार रहें। ये डीजीपे रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, ये कुछ मूवमेंट कुछ मेजर चेंजेज हो रहे हैं APS प्लेटफॉर्म को लेके पूरे इंडस्ट्री में, तो उससे थोड़ा थोड़ा APS अफेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए जो हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि हमें एक कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, तो वो जैसा कि हमने कई बार अनाउंस किया है कि हमारा जो पिन पैड है, जो माइक्रो ATM है, उसको अगर आप बैकअप में रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि APS ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो वो लोग कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये अपना सभी लोग माइक्रो ATM को एज अ बैकअप रख लें, और उस बैकअप से ट्रांजेक्शन कोई भी कस्टमर आए, अगर APS में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिसरप्शन है उस दिन, तो माइक्रो ATM से ट्रांजेक्शन कर दें और कस्टमर को बिना ट्रांजेक्शन होके नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका सभी लोग ध्यान करें और ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें ताकि आपका बिजनेस डिसरप्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं, आज हम बात करेंगे सीएससी पे पॉइंट। जैसा कि हमारी स्टेट टीम ने आपको कम्युनिकेट किया होगा, हम लोग इस पर कर रहे हैं सीएससी पे पॉइंट का। देखिए क्या है, हमारे बहुत सारे जो VLEs हैं काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने रिकॉग्नाइज भी किया बहुत लोगों को, और अभी हम भी और भी ये इंसेंटिव रिवार्ड ये सब जो लेके फिर से आएंगे। पर क्या होता है कि हमने जो देखा है हम मार्केट में, हमारी कोई ब्रांडिंग वहां पे नहीं है, किसी को पता नहीं कि यहाँ पे ये सीएससी का कोई फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो अवेल की जाती है या कोई भी बैंकिंग सुविधा यहाँ से मिल सकती है। तो अभी सरकार ने भी बहुत जगह ये हमारे जो डिजी पे पॉइंट अपने
जो जनधन दर्शक एक एप्लीकेशन है सरकार का, जिसपे लोग जाके उस ऐप पे फाइंड आउट कर सकते हैं वीएलईस को और जो अपने बीसीज होते हैं, तो उसपे हम लोग अपडेट करते हैं जितने भी वीएलई डीजीपे में एक्टिव हैं। तो अगर आप लोग एक्टिव हैं और ब्रांडिंग ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका खुद का भी जो एक परसेप्शन है लोगों सरकार का कि एसएससी वीएलई बहुत बढ़िया काम करते हैं, ऐसी सुविधाएं देते हैं, वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ब्रांडिंग प्रॉपर जो हम लोग बार बार बताते हैं कि आपको किस तरह का अरेंजमेंट रखना चाहिए अपने सेंटर में, किस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए कस्टमर की, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि अब गवर्नमेंट भी सीएससी की तरफ देख रही है कि सीएससी एज ए नेटवर्क फाइनेंशियल सर्विसेज गाँव में देने के लिए एक सक्षम नेटवर्क है, एक कैपेबल नेटवर्क है और इसका यूटिलाइजेशन हो। सो इसलिए आप हम लोग चाहते हैं कि सभी सीएससी जो डिजी पे कर रहे हैं, वो सीसी पे पॉइंट जो बैनर आप देख रहे हैं, इसमें सभी को हमने सर्कुलेट किया हुआ है, अपने स्टेट टीम से करके इसका फाइल लेके एक बैनर बना के अपने सेंटर पे जरूर लगे, ताकि ब्रांडिंग दिखे कि यहाँ पे सीसी का फाइनेंशियल एक्सेस पॉइंट है, डीजी पे यहाँ पे चलता है। अब इसमें जो सर्विसेज हैं आप तो डीजी पे की जानते हैं, सीसी पे पॉइंट के लिए जरूरी चीजें क्या है, जो ब्रांडिंग की बात करी मैंने, सेंटर पे एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, एईपीएस आपके पास है, माइक्रो एटीएम आपकी जो मशीन है कार्ड मशीन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रांजैक्शन करने आता है तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो, आयरिस आयरिस हो। आयरिस में इसलिए हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट में ऑथेंटिकेशन रेट थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आयरिस, स्पेशली गांव में जो खेतों में काम करते हैं जो लोग, हमारे जो किसान हैं या डेली वेजर्स हैं जो काम करते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस यूनिट्स हैं गाँव में, जैसे ईंट के भट्टे हैं, तो उनकी मिनीशियस मिट जाती है, उनके जो हाथ की जो रेखाएं होती हैं मिट जाती हैं, जो कि जब ऑथेंटिकेशन में फेलियर का रीजन होती है, फेल हो जाती है ट्रांजैक्शन क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए आयरिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आंखें तो जैसी हैं वो रहेंगी, और जो आयरिस आपका कैप्चर करता है जो मशीन होती है आयरिस मशीन, और उसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रेट जो ऑथेंटिकेशन का सक्सेसफुल रेट है बहुत ज्यादा है। तो हम एडवाइस करते हैं सभी वीएलईस को कि अपने यहाँ आयरिस भी रखें जो पे पॉइंट्स हैं। प्रिंटर अभी आपने देखा होगा थर्मल प्रिंटर हम लोग ने किया था, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मार्केट से बहुत सस्ता हमने ढूंढ के ले आके और हमने उसको किया था, उसको भी आप लोग यूज करें, उसमें प्रिंटिंग बहुत सस्ती होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रिंटर, तो उसको यूज करके प्रिंट रिसीप्ट जरूर दें। जैसे कि डिस्प्यूट्स होते हैं आपके, कोई कस्टमर है बोला कि ट्रांजेक्शन करी मैंने और नहीं आया, बैंक में जाता है, बैंक में कहता है कि ट्रांजेक्शन की पैसे कट गए मेरे अकाउंट से, पर वहां तो फेल था सीसी पे या डीजी पे वाले एप्लीकेशन पे, तो बैंक कहता है कि नहीं हमें नहीं मालूम आप जाओ, तो वो रिसीप्ट जो है वो रिसीप्ट उस केस में काम आती है कि ये रिसीप्ट है ये देखिए आप चेक करिए। तो रिसीप्ट जरूर दें, प्रैक्टिस बनाइए कस्टमर को रिसीप्ट जरूर दें, और अगर आप सस्ता जो उपाय है रिसीप्ट देने का वो ये प्रिंटर है, जो थर्मल प्रिंटर जो हम लोग अपने उस पे जो हमारा ईस्ट वेली बाजार है वहां पे डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको हम लोग बार बार देते रहते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल करें आप, उस प्रिंट प्रिंट दें ट्रांजेक्शन का, ताकि एक एक एविडेंस रहेगा ट्रांजेक्शन का।